दिल्ली के एम्स में 10 दिसंबर को किडनी ट्रांसप्लांट कराने वाली विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को आज अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। खबरों के मुताबिक पीएम मोदी उनसे मुलाकात करने आज उनके घर जा सकते हैं। एम्स ने एक बयान जारी कर कहा है कि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद से सुषमा स्वराज की सेहत में लगातार सुधार हुआ है और ऑपरेशन के बाद उनकी सेहत पर डॉक्टरों की एक टीम करीबी नजर बनाए हुए थी। अब उनके स्वास्थ्य पर उनके घर से ही नजर रखी जाएगी। बीते 3 हफ्तों से अस्पताल में भर्ती होने के बावजूद विदेश मंत्री ट्विटर पर एक्टिव रहकर लोगों की मदद करती रहीं। दिल्ली की एक महिला के पति की लाश जापान में है और उसे वहां से भारत लाने के लिए उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। रविवार को सुषमा ने उनके पति की बॉडी को वापस भारत लाने के लिए सारा खर्चा उठाने का भरोसा भी दिया है। इससे पहले 4 दिसंबर को गीता नाम की एक पीएचडी स्टूडेंट ने ऑस्ट्रेलिया का वीजा हासिल करने के लिए सुषमा से ट्विटर पर मदद की गुहार लगाई थी। अगले ही दिन सुषमा ने गीता को ट्वीट करके जानकारी दी कि ऑस्ट्रेलिया के लिए उनका वीजा जारी हो चुका है।